सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको रेड कलर का बटन होगा इस चैनल के नीचे, उसको उस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 7 स्टेरिलाइजेशन इन ब्रीफ। ब्रीफ में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, देन डिफरेंस देखेंगे बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, एंड देन देखेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले देख लेंगे व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, क्या होती है। देखिए स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन जो है ये रेफर की जाती है एज एनी प्रोसेस दैट इलिमिनेट रिमूव किल और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स। मतलब किसी भी फॉर्म में, अगर किसी भी लाइफ फॉर्म में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने की, किल करने की या डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। किस लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे देखिए फंगस के फॉर्म में हो सकते हैं, बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकते हैं, वायरसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, स्पोर के फॉर्म में हो सकते हैं, एंड प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड रीजन, और कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड जो है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी मेडिकेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, और किसी कंपाउंड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया। बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया जो है इसका ये बहुत ज़्यादा इसका कंसेप्ट देखा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। सो इन ये जो है इसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगर हम और देखें तो एसेंशियल जो कंसेप्ट है होता है, एसेंशियल जो जो एप्लीकेशन होता है स्टेरिलाइजेशन का, वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है उसको फॉर्म करने के लिए स्टेरिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ना प्रेजेंट रहें। देखिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे, क्या डिफरेंस होता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में। तो देखिए स्टेरिलाइजेशन जो है ये एक तरह की प्रोसेस है जिसके थ्रू कम्प्लीटली रिमूव कर दिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हमने देखा था बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे जो वायरसेस होते हैं उनका कम्प्लीट रिमूवल प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन। जबकि डिसइंफेक्शन जो है वो सिर्फ रिड्यूस करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पूरी तरह से रिमूव नहीं करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। स्टेरिलाइजेशन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि कम्प्लीट रिमूवल हो पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। जबकि डिसइंफेक्शन जो है उसको करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है उनके वो रिक्वायर्ड नहीं होते। देन स्टेरिलाइजेशन जो है वो बैक्टीरिया एज वेल एज उनके स्पोर्स जो है उसको भी किल कर देता है, जबकि डिसइंफेक्शन जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, उनके स्पोर्स जो है उनको किल नहीं करता। देन और देख लेते हैं लास्ट की स्टेरिलाइजेशन जो है उसको परफॉर्म वो यूज़ किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन जो है वहाँ यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरीज में उसको जहाँ परफॉर्म किया जाता है तो उस जगह पर बहुत ही स्टेराइल कंडीशन जो है वो नेसेसरी होती है। मींस जब स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के लिए, तो वो प्लेस जो है जहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए, वहाँ किसी भी तरह की ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जहाँ से डस्ट एंटर कर पाए या कोई भी तरह का अनवांटेड पार्टिकल एंटर कर पाए। तो इस तरह की कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं, बहुत ही स्टेराइल कंडीशन। जबकि डिसइंफेक्शन जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। सो ये डिफरेंस थे कुछ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में। देखिए देख लेते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो बेसिकली तीन मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, जिसमें फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है एंड मैकेनिकल मेथड होता है। देन ये तीनों ही मेथड जो हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। फिजिकल मेथड तीन तरह का होता है, देखिए बेसिकली ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है एंड स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन होता है, जिसमें मोस्टली गामा रेज का यूज़ किया जाता है। देन केमिकल मेथड में क्या होते हैं, गैसियस स्टेरिलाइजेशन होता है एंड होता है स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट। देन लास्ट देख लेते हैं मैकेनिकल मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टेरिलाइजेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। तो ये सारे ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे वाली स्लाइड्स पे इन सब मेथड के बारे में देखेंगे वन बाय वन।
देखिए सबसे पहला मेथड देख लेते हैं, फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन देख लेते हैं। देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम हॉट एयर अवन कहते हैं, जिसमें जिसके अंदर जो है वो हमारा मटेरियल जो हमें स्टेरिलाइज करना है उसको रखा जाता है। देख लेते हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, जैसे अभी हमने देखा हॉट एयर अवन यूज़ होता है। ये क्या होता है, देखिए हॉट एयर अवन ये स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड होता है। मींस इसके इनसाइड का टेम्परेचर जो है वो उस कंट्रोल्ड वे में होता है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल किया जाता है। देन वर्किंग देख लेते हैं अब हम इसकी कैसे वर्क करता है। देखिए मटेरियल जो इसको जिसको हमें स्टेरलाइज करना है उसको एक्सपोज किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है एक्सपोजर टाइम कितना होता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज किया जाता है 1 आवर के लिए। देन हॉट एयर ओवन जो है उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सोर्स टू इट्स लोड, मतलब जो मटेरियल में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बाय मींस ऑफ रेडिएशन होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है एंड टू द लेसर एक्सटेंट कंडक्शन के थ्रू भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है मटेरियल पे। देन इस प्रोसेस के थ्रू जो दौरान क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल होते हैं हॉट एयर ओवन में, तो वो होते हैं बाय द मींस ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए देख लेते हैं अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन की कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, हॉट एयर ओवन की एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है ये मोस्ट सुटेबल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जो है उसमें मॉइस्चर का यूज़ होता है, तो उसमें हम ऐसे मटेरियल जो है उनको स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। तो जो मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके लिए बेस्ट सुटेड मेथड होता है, जैसे ऑयली सब्सटेंस के लिए, ड्राई पाउडर्स के लिए। देन दूसरा क्या है कि इट इज़ सुटेबल फॉर असेंबल्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड सफिशेंट टाइम फॉर पेनिट्रेशन, तो ऐसे इक्विपमेंट्स जिनमें सफिशेंट टाइम दिया जाए जिनमें हीट पेनिट्रेट होने के लिए, तो उन इक्विपमेंट जो है उसके लिए भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस मेथड को सुटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी तरह के ग्लास मेटल्स होते हैं, ग्लास मटेरियल होते हैं उनके लिए, देन सिरिंजेस के लिए, देन टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा जो है उनके स्टेरिलाइजेशन उनके उनको स्टेरिलाइज करने के लिए ये सबसे ज़्यादा सुटेड मेथड है। देन ये जो है ये लेस डैमेजिंग है टू ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट्स देन मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट के थ्रू जब हम स्टेरिलाइज करते हैं ग्लास और मेटल को तो वो थोड़ा डैमेजिंग हो जाता है, सो इसी वजह से ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू किया जाता है मेटल्स को और ग्लास को भी स्टेरिलाइज, क्योंकि ये लेस डैमेजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मॉइस्ट हीट। देन लास्ट क्या है, ये मेथड जो है ये इकोनॉमिकली सेफ है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन की। देन देखिए कुछ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, देखिए इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो इसमें हाई टेम्परेचर जैसे अभी हमने देखा था 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, तो लॉन्ग एक्सपोजर टाइम के लिए भी मटेरियल जो है वो एक्सपोज होते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो इतना टेम्परेचर और इतना लंबा टाइम जो है उसको विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। अभी हम आगे देखते हैं उन मटेरियल के बारे में। मोस्ट मेडिकेशन, रबर, प्लास्टिक आर्टिकल विच आर थर्मोलेबाइल गेट डिस्ट्रॉयड बाय दिस मैथड। जैसे अभी हमने देखा था बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग एक्सपोजर टाइम चाहिए होता है, तो बहुत सारे मेडिकेशन स्टेबल नहीं होती हैं इस प्रोसेस के थ्रू। रबर, प्लास्टिक आर्टिकल्स, तो ये सारे थर्मोलेबाइल होते हैं, तो इस मैथड के थ्रू अगर हम इनको स्टेरलाइज करेंगे तो ये डिस्ट्रॉयड होने का इनमें चांसेस होते हैं इनमें। देन प्रिपरेशन जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है और दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम इस मेथड से स्टेरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज लिक्विड में इवेपोरेट एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज इसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, 160 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के लिक्विड जो है उनके इवेपोरेट होने का चांस बना रहता है। दैट इज़ वाई उन तरह के प्रिपरेशन को भी हम इसमें स्टेरलाइज नहीं कर सकते। देन ये जो है अनस्टेबल होता है सर्जिकल ड्रेसिंग जो है उसको भी स्टेरलाइज करने के लिए, क्यों, क्योंकि सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है उसमें नेचुरल मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होता है फाइबर्स में, उनके फाइबर्स में एक नेचुरल मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो ये नेचुरल मॉइस्चर जो है ये भी वेपोराइज होने का चांस होता है इतनी हाई टेम्परेचर और लॉन्ग एक्सपोजर टाइम पे, तो उन ड्रेसिंग्स को भी हम इस मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट
देख लेते हैं फिजिकल मेथड का ही हमारा दूसरा पार्ट, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट यूजेस ऑटोक्लेव, क्या 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 मैकेनिज्म होता है इसमें, देखिए हीटिंग प्रोसेस इन ऑटोक्लेव होता है। सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर जो है वो अलाउ की जाती है कि वो पेनिट्रेट करे मटीरियल को, जिसको एक्सपोज किया जाता है टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट्स। तो इसका भी टेम्परेचर और टाइम आपको याद रखना है। देन देख लेते हैं वर्किंग मैकेनिज्म। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो बिलीव की जाती है कि ये डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय कॉजिंग प्रोटीन कोएगुलेशन एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जैसे अभी हमने ड्राई हीट में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रोटीन कोएगुलेशन एंड डीनेचरेशन। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है ये। देन देखिए ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट लोअर टेम्परेचर पे एंड इन शॉर्टर टाइम्स देन ड्राई हीट। जैसे अभी हमने देखा था ड्राई हीट में 160 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज किया जाता था, जबकि इसमें एक्सपोज किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस पे। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब कुछ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के कुछ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। देखिए द पेनिट्रेशन पावर ऑफ स्टीम इज मच मोर देन दैट ऑफ ड्राई हीट। तो जो स्टीम होती है जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में यूज़ की जाती है, ऑटोक्लेव में यूज़ की जाती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट होने की पावर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल होते हैं मोर एफिशिएंटली और लेसर टाइम में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ड्राई हीट। तो अभी हमने जैसे देखा था टेम्परेचर और टाइम दोनों ही कम यूज़ किया होता है ऑटोक्लेव में। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो इसके थ्रू हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं इजीली। देन लार्ज साइज ऑफ ऑटोक्लेव होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाता है, जब जहाँ पर ये सारे हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये स्टेरिलाइज किए जाते हैं, तो उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े साइज़ के ऑटोक्लेव्स होते हैं, जिसमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो स्टेरिलाइज हो सकते हैं सिंगल बैच में, वन बैच में। जबकि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो हॉट एयर ओवन में होती है, तो वो ओवन छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑटोक्लेव अगर हम लार्जर साइज लार्जर प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू उसको कंपेयर करें तो। देन सॉल्यूशन पैक्ड इन सील्ड कंटेनर, जैसे एम्प्यूल जो है वो सील्ड कंटेनर एक तरह से माने जाते हैं, तो ये एम्प्यूल जो है ये भी रेडली स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं, इस मेथड से इजिली स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं। देन बल्क सॉल्यूशन, ग्लासवेयर, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, रबर ग्लव्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये सारे ही जो हम मटेरियल्स हैं ये इफेक्टिवली स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं इस मेथड से। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं ऑटोक्लेव की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपसे। देखिए देख लेते हैं मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिसएडवांटेज होता है कि ये अनसुटेबल होता है फॉर द मटेरियल दैट डू नॉट विदस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस और मोर ड्यूरिंग हीटिंग। तो अभी हमने देखा था, देखिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में 161 डिग्री सेल्सियस होता है ये टेम्परेचर, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव में ये टेम्परेचर 121 डिग्रीज होता है, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो 115 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर जो है वो नहीं विदस्टैंड कर पाते, तो उन मटेरियल्स के लिए ये मेथड जो है ये सुटेबल नहीं होता। Then this method is not suitable, not useful for oil, fats, ointment, powders, oily injections and other preparation through which steam cannot penetrate. तो यही ये सारे जो preparations होते हैं, जैसे oil होते हैं, fat होते हैं, ointment, powder and oily injections जो होती हैं, इनके through क्या होता है कि steam penetrate नहीं कर पाती। तो अगर steam penetrate नहीं कर पाएगी तो microorganism जो है वो kill नहीं हो पाएंगे by means of coagulation, अभी हमने देखा था, और denaturation के through होते हैं microorganisms kill, तो ये नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज वाई ये मेथड जो है ये इन तरह की प्रिपरेशंस के लिए भी सुटेबल नहीं होता। ना देखिए अब हम थर्ड देख लेते हैं जो हमारा फिजिकल मेथड में था, स्टेरिलाइजेशन बाय मींस ऑफ रेडिएशन। तो इसमें गामा रेज का यूज़ किया जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट गामा रेज, हम देख लेते हैं क्या होती हैं। गामा रेज जो है ये जनरली ऑब्टेंड होती है फ्रॉम रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटम। तो अनस्टेबल एटम जो होते हैं उसके डिसइंटीग्रेशन के थ्रू ये गामा रेज जो है ये ऑब्टेंड होती हैं। देन इसको यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन में मोस्टली। देन वर्किंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए टू टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है कि ऑल्टरेशन ऑफ केमिकल्स लीड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इन द सेल डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि उनकी केमिकल उनमें जो सेल में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें कुछ ऑल्टरेशन कुछ चेंज
कुछ चेंजेस ले आती हैं इस तरह की गामा रेज, जिसके कारण क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर के केमिकल्स जो हैं उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। देन सेकेंड, वाइटल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में, यही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल्ड हो जाता है। सो ये दो प्रोसेसेस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग मैकेनिज्म ये भी है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे हमने ड्राई हीट का ऑक्सीडेशन देखा था एंड मॉइस्ट हीट का हमने देखा था बाय मीन्स ऑफ डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन। तो देखिए, अगर हम स्टरलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन की हम एडवांटेजेस देखें तो क्या एडवांटेज होती हैं? नो सिग्निफिकेंस राइज इन टेम्परेचर। गामा रेज के थ्रू जब मटेरियल जो है उसको पास आउट किया जाता है, गामा रेज को उसके थ्रू पास आउट किया जाता है, तो कुछ किसी तरह का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो वो सारे ही मटेरियल जैसे अभी हमने देखे थे जो कि 115 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर नहीं विदस्टैंड कर पाते, उनको इस मेथड के थ्रू स्टरलाइज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि मे लीड टू कलर चेंज, तो प्रोडक्ट जो है उसका कलर चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो ये एक तरह की डिसएडवांटेज होती है अगर इस मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स का स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ना देखिए, अभी तक हमने अपने फिजिकल मेथड देखे थे, अब हम देख लेते हैं केमिकल मेथड के, तो जो स्टरलाइजेशन होती है तो इसमें होती है गैशियस स्टरलाइजेशन। देखिए, जान लेते हैं कुछ गैशियस स्टरलाइजेशन के बारे में। गैशियस स्टरलाइजेशन जो है ये स्पेशल टाइप की केमिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें गैसेज और वेपर्स का यूज़ किया जाता है मटीरियल को स्टरलाइज करने के लिए। बहुत सारी गैसेज देखिए, जैसे क्लोरीन, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन एंड इथाइलिन ऑक्साइड जो है उसको यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इफेक्ट जो है उसके लिए, मींस उसको यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। बट क्या होता है, नाउअडेज इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली गैस है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट गैस है, ये मोस्ट वाइडली यूज की जाती है गैसेस स्टरलाइजेशन में इन फार्मेसी एंड मेडिसिनल प्रोसेस जो होते हैं उसमें। अब देखिए, गैशियस स्टरलाइजेशन जो है उसकी हम कुछ वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं उसका हम। तो देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये एक तरह की कलरलेस गैस होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन कि ये जो है ये किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एल्काइलेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में भी कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो इन एसेंशियल सब्सटेंस का एल्काइलेशन जो है वो कॉज कर देती है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। सो ये था इसके इथाइलिन ऑक्साइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ना देखिए, अब फिर से केमिकल मेथड में हम गैसियस स्टरलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज में देख लेते हैं क्या है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो क्वाइट यूजफुल होती है स्टरलाइज करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जैसे कैथेटर होता है, नीडल्स होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं एंड डिस्पोजेबल्स जो होते हैं, उनको ईजिली स्टरलाइज करा जा सकता है इस मेथड के थ्रू, गैसियस स्टरलाइजेशन के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही स्लो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये। देन सेकंड क्या होती है कि ये इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ किया जाता है गैसियस स्टरलाइजेशन में वो बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। देन थर्ड होती है कि ये जो इथाइलिन ऑक्साइड होती है ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, तो इसलिए क्या होती है कि बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है जब इस मैथड के थ्रू स्टरलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। सो नेक्स्ट ना देख लेते, देखिए केमिकल मेथड में स्टरलाइजेशन बाय मींस ऑफ डिसइन्फेक्टेंट के थ्रू जो स्टरलाइजेशन की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है अबाउट द स्टरलाइजेशन, क्या होती है स्टरलाइजेशन। देखिए डिसइन्फेक्टेंट जो है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं स्टरलाइज करने के लिए सरफेस यूज्ड फॉर एसेप्टिक वर्क्स। तो जो सरफेसेस यूज़ किए जाते हैं एसेप्टिक काम करने के लिए, एसेप्टिक मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन मेंटेन की जाती है जहां पर कोई किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो सरफेस पे, तो उस पर्पस के लिए डिसइंफेक्टेंट जो है उनका यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी में क्या किया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी भी स्टरलाइजेशन को हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इमरजेंसी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है स्टरलाइज करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फोर्सेप्स, सीजर्स, नाइफ्स एंड ब्लेड्स जो है उसको। तो मतलब अगर हम कोई स्टरलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट जो है उसके थ्रू डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं एक तरह से। देन
फॉर दिस रीजन द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी वॉश्ड विद स्टेरलाइज वाटर। तो इसी वजह से क्या होते हैं कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उनको स्टेरलाइज वाटर जो है इससे वॉश करना पड़ता है इनको यूज करने से पहले। देन जो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए एल्कोहल होता है, आयोडीन होता है एंड क्लोरीन होता है। तो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो है उसमें। सो देखिए लास्ट देख लेते हैं हम मैकेनिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखिए स्टेरिलाइजेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। अभी क्या होता है हम देखते हैं आगे, अबाउट द स्टेरिलाइजेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें ये स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, एक सबसे पुराना मेथड माना जाता है स्टेरिलाइजेशन का, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑपरेशन जो है उनके लिए। देन ये मेथड जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है थर्मो लेबाइल मटेरियल सॉल्यूशंस के लिए, ऐसे सॉल्यूशन जो कि टेम्परेचर को बिल्कुल ही विदस्टैंड नहीं कर सकते, तो उन जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको इस मेथड के थ्रू स्टेरलाइज कर सकते हैं हम, एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अदर सॉल्यूशन जो है उनके लिए भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फिजिकली रिमूव बाय एब्जॉर्प्शन ऑन फिल्टर मीडियम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फिजिकली रिमूव कर दिए जाते हैं एब्जॉर्प्शन होने के कारण उनके फिल्टर मीडियम पे। सो आगे देखते हैं कुछ इस प्रोसेस के बारे में, ना देख लेते हैं। देखिए पूरी प्रोसेस कैसे होती है स्टेरिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू। सबसे पहले क्या होता है, देखिए द बैक्टीरियाज आर एंट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ फिल्टर एंड रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखिए मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको हमें स्टेरलाइज करना है, तो क्या किया जाता है इसको पास किया जाता है थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एंट्रैप्ड हो जाते हैं इस फिल्टर मीडियम जो है उसके पोर्स में, एंड देन हमें क्लियर लिक्विड जो है वो हमें ऑब्टेन होता है हमारे कंटेनर में। सो देखिए फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो कभी कभार जब हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको एनहांस करना, उसको फास्ट करना होता है, तो वैक्यूम या प्रेशर एम्प्लॉय कर दिया जाता है टू एनहांस द फिल्ट्रेशन। देन इस ये देखिए ये बताया गया है, इन प्रैक्टिस द फिल्टर एक्सेसरीज एंड रिसीविंग वेसल्स मस्ट बी स्टेरलाइज। तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्योंकि हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू तो हम स्टेरलाइज कर रहे हैं, बट जितने भी इक्विपमेंट इस प्रोसेस में यूज़ किए जा रहे हैं उन सभी को स्टेरलाइज होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रिपरेशन में एंटर ना कर पाए। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू सॉल्यूशन तो स्टराइल हो रहा है, बट जिस बीकर जिस ये देखिए जिस कंटेनर में ये हमारा सॉल्यूशन है, प्लस जिस कंटेनर में ये हमारा क्लियर सॉल्यूशन हम रिसीव किया जा रहा है, ये सारे ही कंटेनर जो हैं वो स्टेरलाइज्ड होने चाहिए। देखिए आपको अलग अलग तरह के फिल्टर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखिए शीट्स फिल्टर होता है ये स्टेरिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में। शीट्स फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। ये देखिए एस्बेस्टस फिल्टर पैड होता है जिसमें जो सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस एस्बेस्टस फिल्टर पैड पे। देन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर देखिए इस तरह का दिखता है। देन ये है मिलीपोर फिल्टर्स, बहुत कम यूज़ किए जाते हैं आजकल, बट पहले इसको बहुत यूज़ किया जाता था। तो ये इस तरह के फिल्टर्स थे। ना देखिए देख लेते हैं हम कुछ और तरह के मेमरी जो हमारे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर हैं उनको। देखिए ये होता है बार्कफेल्ड ग्लास फिल्टर, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये इस तरह का दिखता था देखिए। देन देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसमें क्या होता है देखिए, सॉल्यूशन को यहाँ से पास किया जाता है, एंड देन कंसनट्रेट जो हमारा फिल्टर्ड सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ पर देखिए ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये इम्परमिएबल शीट्स होती हैं। देखिए इसके बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो एंट्रैप्ड हो जाते हैं, एंड देन हमें जो हमारा फिल्टर सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो जाता है। एंड देन देखिए ये पास्चर्ड चेंबर लैंड फिल्टर्स, तो अभी ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में थे। ना देखिए देख लेते हैं इसी के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो रिमूव होते हैं बाय मीन्स ऑफ सीविंग। तो इसमें किसी भी तरह की हीट, किसी भी तरह की किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार हमने देखा था कि वैक्यूम या प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जब हमें प्रोसेस को फास्टन करना है, बट अदरवाइज इसमें किसी भी तरह की और प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईजिली सीविंग के थ्रू बैक्टीरियाज जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। देन बिकॉज द मेम्ब्रेन यूज्ड आर वेरी थिन, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन इज निग्लिजेबल।
नेग्लिजिबल, क्योंकि जो हम मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, तो जो अगर मेडिकेशन एब्जॉर्ब होती भी है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है उस फिल्टर मीडियम पे। देन न्यू डिस्क इज़ यूज एवरी डिस्क ऑपरेशन में हर बार एक नया फिल्टर यूज़ किया जाता है, तो कोई भी चांस नहीं होता किसी भी तरह के कंटामिनेशन का प्रोडक्ट में। देन फिल्ट्रेशन जो है वो क्वाइट रैपिड होती है, इसके थ्रू अगर हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो। देन दे डू नॉट लिबरेट पार्टिकल और केमिकल सब्सटेंस टू द फिल्ट्रेट, तो ये जो भी हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, वो किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल अपने में से जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें लिबरेट नहीं करता, उसमें लीक नहीं करता, तो इससे भी एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन रहती हैं। ना देखिए कुछ इसी मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज होती है कि फाइन पोर्स में क्लॉग्ड ईजली फॉर विच द प्री फिल्टर में बी यूज टू रिमूव द कोलाइडल मैटर। मीन्स क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में जो हम फिल्टर मीडियम यूज़ करते हैं इसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ वो ना जा पाए, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारे सॉल्यूशन में ही कुछ लार्ज पार्टिकल, कुछ थिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं ये इन हमारे जो पोर्स होते ये फिल्टर मीडियम के इसको क्लॉक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं। तो क्या प्रेफर किया जाता है कि इस तरह के सॉल्यूशन जो कोलाइडल मैटर वाले सॉल्यूशन होते हैं उनको प्री फिल्टर के थ्रू पहले ही पास आउट कर दिया जाए ताकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं, जो थिक पार्टिकल्स हैं वो पहले ही रिमूव हो जाएं। देन दे आर केमिकली लेस रेजिस्टेंस, मीन्स कभी कभार चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो पास आउट भी हो जाए इन फिल्टर के थ्रू, तो केमिकली ये लेस रेजिस्टेंट होते हैं। देन दे आर सोल्यूबल इन सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कीटोन्स एंड एस्टर्स, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन अगर उसमें कीटोन्स या एस्टर्स प्रेजेंट है तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो फिल्टर मीडियम होते हैं ये उनमें सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, एंड देन हमारी प्रोसेस जो है वो पूरी स्टेरिलाइजेशन की पूरी ठीक से नहीं हो पाती है। देन दे आर वेरी ब्रिटल, तो चांसेस होते हैं कि ये बहुत जल्दी टूट जाए, तो इसके भी ये चांसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जितने भी आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया, होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट प्रिपेयर करने की अपना कंटेंट। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। देन अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।